नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 351वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप आसानी से पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, अगर आप डरते हैं इंग्लिश से कैसे कहां से शुरू करें, तो बस यहीं से शुरू करना है आपको। और इस वीडियो के माध्यम से 3000 वर्ड मीनिंग का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें डेली यूजेस वर्ड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन वर्ड्स को याद कर लिया जाए या दिमाग में हटा लिया जाए, तो कहीं ना कहीं जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो बहुत ही आसान होगा। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को डे वन से देखने के लिए ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा दोस्तों। राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन यानी कम्युनिकेशन स्किल की बात, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है बेसिक वर्ड्स यानी कि डेली यूजेज वर्ड, जो कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेट जानते भी हैं और वर्ड मीनिंग ही नहीं जानते तो कैसे लिखेंगे, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसलिए इसे अच्छे तरह से और अंत तक जरूर देखिए। देखिए इस स्लाइड में जो है हिंदी इंग्लिश के तहत जो है पांच स्लाइड लिया गया, जिसमें हर एक स्लाइड में दो कॉलम होंगे और लगभग 70-80 वर्ड के आसपास आप देखने वाले हैं दोस्तों। देखिए क्या कैसे पढ़ना है, किसको कैसे उच्चारित किया जाता है, बहुत सारे कमेंट चाहते हैं, तो उनको मेरी यही सलाह है कि वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। कम से कम एक डेढ़, मतलब आज से 35-40 पहले वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे पढ़ा जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए सिर्फ वर्ड मीनिंग भी बात की जा रही है, ठीक, जाके ज़्यादा से ज़्यादा रोज यूजेज यानी कि रोज जो आप हिंदी बोलते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है। जैसे जाल, शुद्ध, शुद्ध, जाल शुद्ध, यहाँ पर हिंदी बोलेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन इंग्लिश से आप समझ जाएंगे। नेट, नेट मीन्स क्या होता है, तो नेट मीन्स जाल होता है और ये शुद्ध भी होता है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब होता है समाचार पत्र। उसके बाद देखिए नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स जाल तंत्र या तंत्र। नेक्स्ट मीन्स होता है दोस्तों अगला यानी आने वाला। नेवर मीन्स कभी नहीं और नाइस मीन्स होता है अच्छा। उसके बाद देखिए नेवर्थलेश, नेवर्थलेश फिर भी, ताहम, नाइट मीन्स रात। उसके बाद न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, नई और नवीन भी। नाइन मीन्स एक नंबर है, नौ। उसके बाद देखेंगे दोस्तों न्यूली, न्यूली मीन्स टटका, हाल में यानी नया। नो मीन्स होता है नहीं। अब आइए नेक्स्ट है न्यूज़, न्यूज़ मीन्स होता है समाचार, खबर, जबकि नो वर्डी का मतलब होता है कोई नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी इंग्लिश के तहत आप देख रहे हैं। और देखिए झपकी या सिर का इशारा या ऊँघना, ठीक है, ऊँघ, ऊँघना जो होता है ना ऊँघ, तो ये इसके लिए वर्ड है नोड, ठीक है, नोड। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर। उसके बाद देखिए नॉइज, नॉइज मीन्स होता है आवाज़, ध्वनि, शोर। नॉर्दर्न, उत्तरी। उसके बाद नेक्स्ट है नॉमिनेशन, नामांकन। फिर नोज है दोस्तों नेक्स्ट, नोज, नोज मीन्स नाक। नाक के बाद नन, नन मीन्स होता कोई नहीं, नॉट मीन्स नहीं। नंथलेश फिर भी, नोट, नोट मीन्स टिप्पणी या सुर भी। जब म्यूजिक, अगर म्यूजिक के बारे में कुछ जानते हैं तो वहाँ समझ सकते हैं कि नोट मीन्स क्या होता है, तो सुर होता है। चलिए नेक्स्ट है नॉर, नॉर मीन्स न तो, ठीक है, या ना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों नॉर्मल यानी कि सामान्य, साधारण, नॉर्मली, सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से, याद रखिएगा नॉर्मली। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारा तीसरा स्लाइड है, और अगर आप अभी तक है बने हुए हमारे साथ तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं ताकि आप अधिक से अधिक वर्ड्स देख पाए। और इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए नोटिस, नोटिस मीन्स क्या होता है, नोटिस मीन्स होता है सूचना, क्या होता है सूचना। नंबर मीन्स एक तो गिनती होती है, दूसरा संख्या, संख्या तो सभी लोग जानते हैं, तादाद नहीं जानते,
गिनती नहीं जानते हैं। ठीक है, नंबर मीन्स गिनती या तादाद। कम लोग जानते हैं नोशन यानी कि धारणा, विचार, भाव, नंबर्स, संख्याएं, क्या संख्याएं। नेक्स्ट है नोवेल। नोवेल का मतलब है उपन्यास, उपन्यास कथा। नर्स का मतलब है उपचारिका, या नर्स को नर्स ही हिंदी में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब कहीं आप कहीं सुनते हो क्या ऊपरी चारिका या उपचारिका? नहीं सुनते हो। तो दोस्तों ये वर्ड जो है हिंदी में एकदम जो इंग्लिश का है वो हिंदी के तरह ही यूज होने लगा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। अब देखिए नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, अभी। नट मीन्स होता है अखरोट, या नट को नट बोलते हैं। नव्य यानी कहीं भी नहीं, ऑब्जेक्ट, वस्तु, लक्ष्य। उसके बाद देखिए नॉट है, ये एन टी का मतलब होता है कि एन ओ टी मीन्स नॉट, नॉट मीन्स नहीं। और ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होगा? उद्देश्य, ध्येय, उद्देश्य, ध्येय। उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियर, नाभिकीय, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य, आभार, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक बार जरूर सरसरी नज़र से एक बार देखें यहाँ पर। ठीक है, एक बार सरसरी नज़र से यहाँ पर जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश। अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तो जाहिर सी बात आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन थोड़ा सा क्या कि आपके दिमाग में बात आते रहना चाहिए, उसका यूज़ करिए, बोलने में, लिखने में यूज़ कीजिए। अगर जितना बोलते हैं ना उतना ही ज़्यादा आपको याद रहता है। तो बस अपने हिंदी भाषा में यूज़ कीजिए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन। अब कहीं बोलना है, अब निगरानी तो आप बोलेंगे भी नहीं, अब लोकन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतनी शुद्धता शायद ही कोई लोग बोलते हैं और लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो निगरानी तो कभी बोल भी थे, अब लोकन शायद ही बोलते हैं, लिखने में इस तरह का शब्द ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑब्जर्वेशन वहाँ यूज़ कीजिए, ऑब्जर्वेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, व्यवसाय। देखिए क्या होगा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा, व्यवसाय। उसके बाद दोस्तों ऑब्जर्व यानी समीक्षा करनी है, प्रिंसिपल वर्ब है, बी वन है, बहुत ध्यान से इसे ये हर जगह यूज़ होगा, समीक्षा करना। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई पर कब्जा या छेकना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मीन्स क्या होता है, प्रेक्षक। ओकर होना या घटना, होना या घटना, ओकर। इसके बाद दोस्तों है ऑप्टेन यानी प्राप्त करना, पाना। ओशियन, ओशियन मीन्स समुद्र, ओशियन मीन्स समुद्र। नेक्स्ट है ओवियस, ओवियस जाहिर, स्पष्ट। अब ऑड, ऑड मीन्स अजीब, विषम, अजीब, विषम। नेक्स्ट है तो ओकेजन, ओकेजन अवसर, घटना। ऑड्स अंतर, सहूलियत, अंतर, सहूलियत, ऑड्स। देखिए यहाँ पर एस जो है, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ तो अजीब विषम हो जाता है, जबकि एस लग जाने से ऑड की जगह ऑड्स हो जाने पे अंतर या सहूलियत। हिंदी में कितना मतलब यानी एक वर्ड के चलते पूरा हिंदी ही बदल जाता है, मायने ही बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ओकेजनली, यदा कदा, कभी कभी या कभी कभार। ऑफर प्रस्ताव, चेष्टा, क्या ऑफर मीन्स प्रस्ताव, प्रस्ताव, चेष्टा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये रहा आखिरी स्लाइड। देखिए 10 मिनट के अंदर बहुत ही तेज़ी से मैंने कंप्लीट किया है, ताकि क्योंकि बहुत इजी और अच्छे वर्ड है जो कि रोज़ यूज होते हैं। जैसे ऑफ का मतलब क्या होता है, का भी होता है, की भी होता है। ऑफेन, इसे दोस्तों बहुत सारे लोग ऑफ्टेन ही पढ़ते हैं, जबकि बोलेंगे इसे ऑफेन यानी कि अक्सर, बहुधा, बहुधा। नेक्स्ट है ऑफ, एफ मीन बंद, दूर। ये है ठीक है स्विच ऑफ वाला ऑफ, ये जो है पोजिशन वाला है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में का के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओफ मीन्स होता है आ। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑफेंस यानी कि अपमान, दोष। ऑयल मीन्स तेल। नेक्स्ट है ऑफेंसिव
ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑफेंसिव यानी घिनौना, घृणास्पद, ठीक है, घृणास्पद। ओके, अब ओके मीन्स ठीक है, ओके को ऐसे भी ओके लिखते हैं, ओ के ए वाई, ओके मीन्स ठीक। देखिए ऑफिस मीन्स होता है कार्यालय, यहाँ देखिए ओके फिर से देखिए, जैसे कि मैंने लिखा ओके मीन्स ठीक है। ऑफिसर मीन्स होता अधिकारी या पदाधिकारी। ओल्ड मीन्स पुराना, ये हो गया पुराना, कैसे हो जाएगा पुराना। तो दोस्तों नेक्स्ट है ऑफिशियल यानी आधिकारिक या दफ्तर का, आधिकारिक या दफ्तर का, याद रखिएगा आधिकारिक या दफ्तर का, ऑफिशियल। उसके बाद दोस्तों ओलंपिक, ओलंपिक मीन्स क्या होगा? ओलंपिक चूंकि एक नाम है और एक खेल का आयोजन है, इसलिए ओलंपिक को ओलंपिक ही कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और एक और बात, अगर यहाँ आप हमारे लिंक को टच करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, यहाँ वाला टच करते हैं तो हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं, यानी कि प्लेलिस्ट का हमारा ये लिंक है, कुछ प्रीव्यू शूट के यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं, तो ध्यान रखें, धन्यवाद।